सुभान अल्लाह, यह है जन्नती दरवाज़ा जो कल ईद के दिन एक दिन के लिए खुलेंगे। तमाम ज़ायरीन यहाँ से गुजारेंगे, ज़ियारत करेंगे और आपको भी ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। और आज आपको पहले दरगाह शरीफ ज़ियारत कराएंगे। आज दरगाह शरीफ में कितने ज़ायरीन हैं, कहाँ से कितने ज़ायरीन ज़ियारत कर रहा है और पूरी दरगाह शरीफ के अंदर कहाँ पर कितने ज़ायरीन हैं आपको नज़ारा कराएंगे, क्योंकि कल ईद मनाए जाएंगे अगर अल्लाह ताला चाहे तो। और आपकी आस्थाना शरीफ के दो नंबर गेट से भी ज़ियारत कराएंगे, यहाँ की माहौल भी दिखाएंगे जी कितने ज़ायरीन यहाँ से ज़ियारत कर रहे हैं। उसके बाद आपको सीधे बाहर ले चलेंगे, बाहर की मेन गेट का भी माहौल नज़ारा कराएंगे। तो बना रहिए, आप शुरू करते हैं हमारे वीडियो। वीडियो शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिए आप। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इंशाल्लाह आज 30 रमजान है और आज बाद मगरिब हम लोग रमजान को अलविदा करेंगे, 2022 के रमजान को अलविदा करेंगे आज। और अल्लाह ताला चाहे तो कल ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। और लॉकडाउन चलते हुए महामारी के कारण 2 साल से दरगाह शरीफ की अंदर मस्जिदों में ईद की नमाज हम लोग पढ़ नहीं पाया है। तो इंशाल्लाह इस बार पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार दरगाह शरीफ की अंदर मस्जिदों में ईद की जमात अदा करेंगे। और किस तरह माहौल रहेंगे, कल ईद की खुशी कैसे मनाएंगे दरगाह शरीफ के अंदर, वो भी मैं आपको कल दिखाएंगे। ईद की जमात भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और इस तरह मैं रोज़ आपको वीडियो बना के दरगाह शरीफ ज़ियारत कराएंगे और अंदर बाहर का माहौल भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए आपको सीधे आज दरगाह शरीफ के अंदर लेके चलते हैं। पहले दरगाह शरीफ ज़ियारत कराएंगे और दरगाह शरीफ ज़ियारत कराने के बाद अंदर पूरा दिखाने के बाद सीधे आपको ले आएंगे दरगाह शरीफ की बाहर। बाहर का माहौल कैसा है वो भी मैं आपको दिखाएंगे। तो बना रहिए, वीडियो पूरा देखिए। चलिए फिर आपको ले चलते हैं सीधे दरगाह शरीफ के अंदर जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक ने फाजा गरीब नमाज, आप सबको हुजूर गरीब नमाज की हाजिरी मुबारक हो। तो आइए आज पहले आपको आता नूर से ज़ियारत कराएंगे। सुभान अल्लाह, देखिए आता नूर से गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। सुभान अल्लाह, आज 30 रमजान है माशाल्लाह। आज रमजान को अलविदा करेंगे हम लोग और अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो कल ईद मनाएंगे सभी। देखिए आता नूर की माहौल, ये माहौल देखने के बाद जैसे लग रहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, मगर नहीं, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं है, सब खुला हुआ है। देखिए माहौल कैसे है। आज 30 रमजान है, यानी आज आखिरी रमजान है, कल ईद मनाएंगे सभी। तो माशाल्लाह 2 साल से दरगाह शरीफ की अंदर मस्जिद में ईद की जमात नहीं हो रहा है लॉकडाउन के वजह से, महामारी की कारण से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी आप बरकाए गरीब नवाज में खड़ा हो और आताए नूर से आप आस्थान शरीफ ज़ियारत कर रहे हो, माशाल्लाह ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। आज हम लोग 2022 के रमजानों को अलविदा करने वाला हूँ। तो माशाल्लाह देखिए आस्थाना शरीफ ज़ियारत कीजिए और देखिए यहाँ की माहौल कैसा है, सन्नाटा है, देखिए कोई नहीं है, सिर्फ खुदा में हज़रत अंदर है। जो आप आएंगे तो आपको हाजिरी कराएंगे इंशाल्लाह, ज़ियारत करेंगे। सुभान अल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवाज की आस्थाना शरीफ जो अभी आप आता नूर से ज़ियारत कर रहे हो, ज़ियारत कीजिए दिल खोल के और दुआएं मांगिए। सुभान अल्लाह, हम लोग पूरी महीने रमज़ान को पूरा किया है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी रमज़ान के सदक़े में हम तमाम लोगों की गुनाहों को माफ़ करें और आने वाला सालों को भी पूरी महीने रमज़ान रखने का तौफीक अता फरमाए अल्लाह। तो माशाल्लाह ये हुजूर गरीब नवाज के दरबार शरीफ जो अभी आप ज़ियारत कर रहे हो, माशाल्लाह ईद के 2 दिन बाद इतनी खुली ज़ियारत आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ज़ायरीन भर जाएंगे। तो अभी आस्थाना शरीफ बिल्कुल खाली है, आप आराम से ज़ियारत कीजिए और दुआएं मांगिए। और इस वीडियो को आप अपने ध्यान से आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि ऐसे मौका और भी लोगों को मिले, उनको भी दरगाह शरीफ ज़ियारत हो जाए और माहौल को भी जानकारी मिल सके आपके ज़रिए से। सुभान अल्लाह।
तो कल इंशाल्लाह दरगाह शरीफ की अंदर ईद मनाए जाएंगे। दो साल की बात, दो साल से ईद नहीं मना पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से। तो इंशाल्लाह इस बार पूरी उम्मीद है जो दरगाह शरीफ की अंदर हर साल की तरह इस साल भी हम लोग ईद की नमाज़ अदा करेंगे और क्या खुशियां मनाया जाएंगे अंदर, कितने जारी अंदर रहेंगे कल और किस तरह लोग खुशियां मनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको कल नज़ारा कराएंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए पूरी आताई नूर की माहौल, आताई नूर में कितने जारीन है, कहाँ पर कितना जारीन बैठ के इबादत कर रहा देख सकते हो। ये पूरी आताई नूर में आपकी भीड़ जमा हुआ होता है, लेकिन आज आखिरी रमजान है, सभी अपने अपने घर में ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। और ईद की बाद ये तमाम जारीन यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जारीन भर जाएंगे और कितने अच्छा लगेंगे, बेहतरीन लगेंगे, वो भी मैं आपको दिखाएंगे। तो देखिए आताई नूर से आपको लेके आया हूँ पायती में, पायती का भी माहौल देखिए खाली है, जायरीन बहुत ही कम है देख सकते हो, क्योंकि रमजान की महीना है, सभी इबादत करते हैं इंशाल्लाह। और ये देखिए पूरा आताई नूर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आताई नूर नहीं पायती, सुभान अल्लाह, पायती से गुंबद शरीफ ज़ियारत कीजिए, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे लग रहा है, सुभान अल्लाह, हुजूर गरीब नवाज की गुंबद शरीफ माशाल्लाह, जो अभी आप पायती से ज़ियारत कर रहे हो, ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए इंशाल्लाह। और ये देखिए माहौल कैसे है, कितने जायरीन है, यहाँ पर कबल्ले भी हो रहा है पायती में, तो पायती में कितने जायरीन है कि नहीं है आप देख लीजिए, आज की ये माहौल है। और इंशाल्लाह कल ईद की नमाज़ भी यहाँ पे अदा की जाएंगी, और ईद की नमाज़ की अंदर में ईद की नमाज़ में कितने जायरीन यहाँ पे रहेंगे वो भी मैं आपको कल नज़ारा कराएंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कबाली भी हो रहा है, तो माशाल्लाह 2022 के रमजान आज आखिरी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी आप आस्थाना शरीफ ज़ियारत कर रहे हो दो नंबर गेट से, यानी पायती से, और जहाँ पर कदमसी होती है वहाँ पे आप ज़ियारत कर रहे हो, बिल्कुल क्लियर ज़ियारत कीजिए। ये पायती गेट भी खसाखस भीड़ जमा हुआ रहता है, बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है, रश रहते हैं, लेकिन अभी रमजान शरीफ है, आज आखिरी रमजान है इंशाल्लाह। तो आप ज़ियारत कीजिए आस्थाना शरीफ जहाँ पर कदमसी होता है, ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए इंशाल्लाह, दुआएं मांगिए हुजूर गरीब नवाज की आस्थाना शरीफ, जो अभी आप ज़ियारत कर रहे हो। आज 30 रमजान है माशाल्लाह, और बार है मंडे यानी सोमवार है, और मई महीने के 2 तारीख है आज इंशाल्लाह। तो इस बार सट्टी शरीफ मनाए जाएंगे, अगर कल ईद होगा तो कल से चांद की 1 तारीख लग जाएंगे, तो कल आपकी मई की 3 तारीख है, 3 तारीख को अगर आपकी चांद की 1 तारीख लगता है तो 3 तारीख से लेके आप मई की 8 तारीख में आपके सट्टी शरीफ मनाए जाएंगे दरगाह शरीफ के अंदर, आप खुद हिसाब लगा लीजिए। अगर चांद की 1 तारीख आपकी अंग्रेजी 3 तारीख को आती है तो सीधा अंग्रेजी 8 तारीख को आपको सट्टी शरीफ की दुआएं मनाए जाएंगे इंशाल्लाह, सट्टी शरीफ मनाए जाएंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए आस्थाना शरीफ के 3 नंबर गेट, ज़ियारत कीजिए दुआएं मांगिए सुभान अल्लाह। तो ये आस्थाना शरीफ की 3 नंबर गेट, और यहाँ का माहौल भी देख लीजिए, यहाँ पर 3 नंबर गेट के सामने भी कैसे माहौल है, यहाँ पर कितने जायरीन है देख सकते हो, अभी कैसे माहौल है यहाँ पर, पूरे यहाँ पर भी भीड़ जमा हुआ रहता है, लेकिन अभी रमजान है देख सकते हो, सुभान अल्लाह। तो मैं आपको जन्नती दरवाजे के सामने लेके आया हूँ, जन्नती दरवाज़ा ज़ियारत कीजिए, और इसी जन्नती दरवाजे को कल ईद की नमाज के बाद ओपन हो जाएंगे, तमाम जारीन इसी गेट से गुजारेंगे, ज़ियारत करेंगे, और इंशाल्लाह आपको भी कल जन्नती दरवाज़ा खुले हुए मैं आपको ज़ियारत कराएंगे। तो अभी आप ज़ियारत कीजिए और देखिए यहाँ के माहौल कैसे कैसे लोग ज़ियारत कर रहे हैं। कल ईद की जमात ख़त्म होने के बाद जन्नती दरवाज़ा खुलेंगे इंशाल्लाह, और पहली जमात ये शाहजहानी मस्जिद के अंदर होंगे देख सकते हो, ये शाहजहानी मस्जिद, तो शाहजहानी मस्जिद की अंदर की अभी का माहौल देख लीजिए इंशाल्लाह। और कल जब ईद की नमाज़ अदा की जाएंगे उसी टाइम भी आपको ज़ियारत कराएंगे और दिखाएंगे नज़ारा क्या रहेंगे आपको इंशाल्लाह। तो ज़ियारत कीजिए, देखिए ये शाहजहानी मस्जिद है, सुभान अल्लाह शाहजहानी मस्जिद की अंदर से आप गुम्बद शरीफ, और ये देखिए आस्थाना शरीफ की 4 नंबर गेट, जो आप इसी गेट से आस्थाना शरीफ ज़ियारत करके बाहर आते हैं,
अभी ये गेट बंद है, यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि अभी ज़ायरीन बहुत ही कम है, बाकी गेटों से लोग आना जाना जारी है, रोक टोक नहीं है, सबकी ज़ियारत हो रहा क्योंकि अभी भीड़ कम है, इसलिए ये गेट यूज़ नहीं हो रहा है। देख सकते हो अभी कितने यहाँ पर ज़ायरीन है कि नहीं है, आप देख लीजिए। और इधर ये भी ज़ियारत कीजिए, बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ है, जो आपकी चिल्ला शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। आज 30 रमजान है, 2022 के रमजान आज अलविदा है इंशाल्लाह, आज चांद रात हो जाएंगे इंशाल्लाह। और देखिए बीबी चमेली की दरगाह भी है, आप ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। आज रमजान की आखिरी है, लास्ट है, कल ईद मनाएंगे हम लोग। और यहाँ का माहौल भी देखिए, यहाँ के चहल पहल देखिए, कितने कैसे पब्लिक, कितने ज़ायरीन है कि नहीं है आप देख सकते हो, देखिए। और ज़ियारत कीजिए। और इधर देखिए बाहर से अंदर आने जाने का 10 नंबर गेट देख लीजिए आप, ये शाहजहानी मस्जिद की साथ साथ में 10 नंबर गेट आती है इंशाल्लाह। चलिए फिर आपको धीरे धीरे बाहर की तरफ ले चल रहा हूँ, जो बाहर से भी कितने ज़ायरीन अंदर आ रहा है जा रहा है देख सकते हो, देख लीजिए। और ये देखिए वजू खाना दरगाह शरीफ के अंदर सबसे बड़ी वजू खाना है जी, यहाँ पे तमाम ज़ायरीन आते हैं, यहाँ से वजू पहले बनाते हैं, फिर दरगाह शरीफ के अंदर जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, ज़ियारत करते हैं, नमाज कलाम पढ़ते भी है। देखिए इधर बुलंद दरवाज़ा, बड़ी डेग, यहाँ का माहौल भी कैसे, कितना ज़ायरीन ज़ियारत कर रहा है, लंगर नियाज डाल रहा है, देख लीजिए। और वजू खाना डेग के सामने का माहौल भी देख लीजिए, ये यहाँ पर कितने ज़ायरीन हैं कि नहीं है। देखिए आज मैं आपको रोज़ इस तरह मैं दरगाह शरीफ पूरी दिखाता हूँ अंदर बाहर, और आज भी दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो आप लोग से गुजारिश है जी, आप लोग हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमें भी अच्छा लगे इस तरह रोज़ ज़ियारत की करवाए आप लोगों की इंशाल्लाह। और ये देखिए बाहर से अंदर आने जाने का 3 नंबर गेट मैंने आपको दिखाया हूँ, ये देखिए बुलंद दरवाज़ा है, माशाल्लाह ज़ियारत कीजिए। ये है बुलंद दरवाज़ा जिसमें रिपेयरिंग का काम अभी भी चालू है, देख सकते हो। और यहाँ का भी माहौल देख लीजिए। और ये देखिए छोटी डेग, छोटी डेग ज़ियारत कीजिए। और देखिए यहाँ पर भी सन्नाटा है, और इधर बड़ी डेग है, बड़ी डेग में फिर भी एक दुक्का ज़ायरीन है, देख सकते हो आप, ज़ियारत कर रहे हैं लोग, और आप भी ज़ियारत कीजिए माशाल्लाह। तो अभी अजमेर शरीफ के माहौल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, आप देख सकते हो। मैं आपको बिल्कुल रियल दिखा रहा हूँ, रियल दिखा रहा हूँ, हकीकत दिखा रहा हूँ, जो आपको पूरी दरगाह शरीफ की अंदर कहाँ पर कितने ज़ायरीन है कि नहीं है आप सिर्फ हमारे वीडियो द्वारा जान सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जितने भी लोग आप लोग अनसब्सक्राइब करके हमारी चैनल पे आप लोग ज़ियारत करते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए बुलंद दरवाज़ा, मैं बाहर की तरफ से दिखा रहा हूँ, तो आप लोग से फिर से मैं गुजारिश करूँ जो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी चैनल को आप लोग ग्रोथ करवाइए ताकि हमें भी मेहनत करने भी अच्छा लगे, और इस तरह रोज़ मैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार शरीफ आप लोगों को ज़ियारत करा सकूँ इंशाल्लाह। हुजूर गरीब नवाज की दरबार शरीफ, ये पूरा हिंदुस्तान की शाहनशाही की दरबार शरीफ, ये ज़ियारत करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं अंदर से बाहर की तरफ ले आया, बिल्कुल देखिए निज़ाम गेट पर, तो निज़ाम गेट से आप दरगाह बाज़ार की माहौल देखिए जी, ये देखिए दरगाह बाज़ार की माहौल, यहाँ पर आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं इंशाल्लाह, यहाँ पर शांति अमन और चैन बना हुआ रहता है यहाँ पर माशाल्लाह। सभी मजहब के आदमी आते हैं हुजूर गरीब के दरबार शरीफ में दुआएं मांगने, सबकी दुआ पूरा हो, सबकी दुआएं पूरी होती है, सबकी मन्नत पूरी होती है इसी दरबार से इंशाल्लाह, यहाँ पर किसी का कोई भेदभाव नहीं है। तो मैं निज़ामगढ़ से नीचे आया हूँ, दरगाह बाज़ार से निज़ामगढ़ देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़ियारत कीजिए। और ये देखिए दरगाह बाज़ार की पूरी माहौल आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, देख सकते हो। ये मेन गेट है निज़ाम गेट, बाहर से अंदर एंट्री होने का। तो इसी वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद जय भारत, अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद मुबारक हो अजमेर शरीफ से।